हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों? आज हम आपकी क्लास 3rd की वर्कशीट करेंगे 71। नेम ऑफ स्टूडेंट में आपको अपना नेम लिखना है और डेट लिखोगे जब आप वर्कशीट को सॉल्व करोगे। हमारा लर्निंग एरिया है बच्चों रीडिंग एंड राइटिंग। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रीअरेंज द जंबल्स वर्ड एंड फ्रेम द करेक्ट सेंटेंसेस। तो बच्चों यहाँ पर जंबल वर्ड दे रखे हैं, उनको हमें करेक्ट करके लिखना है और एक सेंटेंस बनाना है, करेक्ट सेंटेंस बनाना है। तो बच्चों ये जो वर्ड्स हैं ये उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं, आगे पीछे लिखे हुए, तो हमें इनको सीक्वेंस में लिखना है, सही करके लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों है जैसे ही हंगरी वास, तो हमें इसको सीधा करना है, ठीक है बच्चों, सही करके लिखना है। तो बच्चों आज हम इसमें वाज वर्ब का भी यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस है बच्चों ये, ठीक है। तो हमें इसको सीधा करना है, ही हंगरी वाज, तो ये हो जाएगा बच्चों सीधा, ही वाज हंगरी। तो बच्चों सिंगुलर के लिए वाज का यूज होता है और वाज क्या है, पास्ट है, पास्ट टेंस में आता है, ठीक है। जो बीत चुका है उसके लिए हम वाज वर का यूज करते हैं। तो यहां पर बच्चों आएगा ही वाज हंगरी, वह भूखा था, ठीक है बच्चों। सेकंड है शी प्लेइंग वाज, तो इसको सीधा करोगे तो हो जाएगा बच्चों शी वाज प्लेइंग, वह खेल रही थी। बच्चों शी है ये गर्ल के लिए, तो यहाँ पर जो आएगा लाइन बोलोगे आप हिंदी में तो आएगा शी वाज प्लेइंग की, वह खेल रही थी, ठीक है बच्चों। अब थर्ड है दे ईटिंग वर, तो इसको सीधा करोगे तो बनेगा बच्चों दे वर ईटिंग, दे का मतलब वे, ईटिंग मतलब खा रहे, वर का मतलब थे। अब दे देखिए बच्चों ये प्लूरल हो गया है, ठीक है, ये ज्यादा हो गए, दे मतलब वे होता है, जब एक से ज्यादा जो लोग हो जाते हैं तो वो दे में आ जाते हैं, ठीक है। दे वर, दे के साथ वर लगेगा, दे वर ईटिंग। अब बच्चों नेक्स्ट है रीता एंड सीता डांसिंग वर, अब बच्चों ये भी दो हो गए ना रीता एंड सीता, तो यहाँ पर इसको सीधा करोगे तो आएगा बच्चों रीता एंड सीता वर डांसिंग, रीता और सीता नाच रही थी। नेक्स्ट है बच्चों कपिल अ ग्रेट प्लेयर वाज, तो सीधा हो जाएगा बच्चों कपिल वाज अ ग्रेट प्लेयर, कपिल एक महान खिलाड़ी था। अब बच्चों नीचे आ जाएगा, आपको वाज वर का यूज करना है, कहां वाज आएगा और कहां वर आएगा। फर्स्ट है बच्चों आई, आई के साथ वाज आएगा, ठीक है। आई वाज नॉट फीलिंग वेल यस्टरडे, कल मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, वाज का मतलब था, वर का मतलब भी थे होता है, ठीक है। ये पास्ट टेंस में आ गया है तो आई के साथ वाज यूज हो जाएगा। सेकंड है बच्चों दे, दे के साथ वर आएगा, दे वर गोइंग टू द मार्केट, वे बाजार जा रहे थे। तो सिंगल है तो हम था लगाते हैं, जब ज्यादा हो जाते हैं तो हम थे लगाते हैं, ठीक है बच्चों। सेकंड हो गया, अब थर्ड करेंगे ही वाज, ही के साथ वाज यूज होगा, ही वाज सिक लास्ट नाइट, पिछली रात वह बीमार था। फोर्थ है बच्चों शी वाज अ नर्स, वह एक नर्स थी, शी है तो हमने थी लगाया है, ठीक है। और फिफ्थ है दे, दे के साथ वर यूज होगा, दे वर हंगरी, वे भूखे थे। सिक्स्थ है दोज, दोज के साथ बच्चों वर यूज होगा, दोज वर बिग एनिमल्स, वे बड़े जानवर थे। सेवन्थ है बच्चों ही के साथ वाज यूज होगा, ही वाज हैप्पी, वह खुश था। एट व्हाट वाज ही डूइंग, तो बच्चों यहाँ पर देखिए आप ही आया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा था, वाज, व्हाट वाज ही डूइंग, वह क्या कर रहा था। तो बच्चों इस तरह से आपको वाज वर्ब का यूज करना था और जंबल लेटर जो जंबल वर्ड थे उनको हमें करेक्ट फॉर्म में लिखना था। बच्चों आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।